नमस्कार टू एवरीवन, आई एम अशला। टुडे आई एम गोना टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश रीडर। सो व्हाट इज दैट? थ्री क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। एक किंग को एक थॉट आई दैट ही वुड नेवर फेल। वो कभी भी क्या नहीं हो, फेल नहीं हो। इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे तीन चीजें पता पड़ जाए। These three things were, what is right time to begin something? मतलब कोई भी चीज चालू करने का, शुरुआत करने का सही टाइम क्या है? Okay, which people should he listen to? उसे किन people's की, मतलब किन लोगों की बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? मतलब सबसे important चीज उसकी life में क्या है करने के लिए? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। किंग ने क्या करा, अपने मैसेंजर थे ना जो संदेश वाहक, उन्हें है ना पूरी किंगडम में भेज दिया। एंड प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस। और जो भी इन तीन क्वेश्चंस का जो आंसर देगा उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने के लिए बोला, मतलब पैसे देने के लिए बोला। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत जो समझदार थे ना, बुद्धिमान जो व्यक्ति थे, वो आए किंग के पास। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। सबने अलग अलग आंसर दिया अपनी तरह से। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल। कुछ ने कहा कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए, ठीक है, उसी टाइम टेबल को अपनी रूटीन में डालना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time? मतलब वो जब भी ये सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे। Other said, कुछ ने कहा, दूसरों ने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. ये तो बिल्कुल भी impossible है, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमें सही समय पता पड़ जाए कि किस चीज को कब करा जाए। The king should notice all that was going on. King ने सब चीजें नोटिस करी, सब चीजें कि क्या हो रहा है, and avoid foolish pleasures. इन सब चीजों को, जो सारी बातें थी उन्हें avoid करा, and always do whatever seemed necessary at all at time. मतलब जो उस चीज पे necessary थी उस time उसे जो लगता था जो करने को वो ही करता था। Yet others said, कुछ ने कहा कि king needed a council of wise men. एक council मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि डिसाइड करा जाता है, मतलब वाइस पर्संस का एक ग्रुप बनाया जो कि इस चीजों के बारे में डिसीजन ले सके कि क्या करना चाहिए, ठीक है, टू हेल्प हिम एट प्रॉपर, मतलब किस तरह से प्रॉपर टाइम पे क्या चीज करी जाए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। एक मैन ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि करेक्टली क्या टाइम है किसी चीज को करने का विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों की हेल्प के बिना। राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का सही टाइम। बट देन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स कुड बी अर्जेंट। कुछ ऐसी चीजें होती है बहुत ही जरूर होती है। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर दिस डिसीजन ऑफ काउंसिल, मतलब हमारी काउंसिल का जो डिसीजन होगा उसके लिए वो वेट नहीं करेगी। उन्हें हमें इमिजिएटली क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों का डिसीजन लेना पड़ता है। हमें उसका ग्रुप डिस्कशन करके क्या है उस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक आउट इन टू फ्यूचर। मतलब अगर हमें किसी चीज का राइट टाइम का पता करना है तो हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, और फ्यूचर में हम कैसे देखेंगे? एंड ओनली मैजिशियंस कुड, मतलब ये तो सिर्फ जादूगर ही कर सकता है डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियंस के पास जाना चाहिए उन्हें। In their answer to second question में answer में क्या है? Some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said priests, मतलब priests के पास जाना चाहिए। Few others choose the doctors, उन्होंने कहा कि जो सलाह देंगे वो क्या डॉक्टर ज्यादा अच्छी देंगे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ ने कहा his soldiers were the most necessary, soldiers के पास जाना चाहिए, बिल्कुल वो सही रहेंगे, necessary सही रहेगा उनका, ठीक है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस
अदर चूज फाइटिंग एंड कुछ ने रिलीजियस वर्शिप के लिए बोला कि थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कि हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ सबने अलग अलग आंसर दिए. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, मतलब सबके आंसर ही बहुत ही अलग थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उसे बिल्कुल भी क्या हुआ इन बातों से, मतलब वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, सेटिस्फाई नहीं हो पाया, और गेव नो रिवार्ड, और किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया उसने, इनाम नहीं दिया. इंस्टीड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज किंगडम. मतलब उसने क्या सोचा कि मुझे ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए, हर्मिट कौन होता है जो कि सिंपल मैन होता है और सिंपली अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, तो मुझे ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो कि वाइसली हो, समझदार हो. तो हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड मतलब यहाँ पर है एक छोटे से फॉरेस्ट में रहता था वो, ही एंड विच ही नेवर लेफ्ट, उसने वो कभी भी उसे छोड़ा नहीं था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी कोट्स. मैं वो चाहता था कि मैं बिल्कुल एक सिंपल इंसान ने से ये सब चीजें पूछू, तो उसने क्या करा, खुद ने भी क्या करा, सिंपल क्लोथ पहन लिए. बिफोर ही रेज द हर्मिट हट, मतलब उसकी हट तक, उसकी झोपड़ी तक पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने हॉर्स को अपने गार्ड के साथ, विथ हिज गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, गार्ड के साथ छोड़ दिया और खुद अकेला चले गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हंस, जैसे ही वो उसके हंट के पास गया, हट के पास गया, ही सॉ द हर्मिट टिगिंग कर रहा था वो ग्राउंड को इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, हट के सामने क्या कर रहा था वो, टिगिंग कर रहा था. ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू टिगिंग, उसने किंग को देखा ऐसे इस तरह से पलट के और उसने अपनी डिगिंग चालू कर दी. ठीक है, द हर्मिट वॉज, बहुत ही बूढ़ा था और वीक था, एंड ही वर्कड, एंड जब उसने काम करा तो उसकी ब्रेथ हैवीली लेने लगे, बहुत लंबी लंबी सांस लेने लगे, क्योंकि वो थक गया था, टायर्ड हो गया था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइस हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस के आंसर चाहिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द टाइम, मतलब मैं कैसे पता करूँ कि मैं हर चीज सही समय पर करूँ. हु आर द पीपल नीड आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड वॉट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज करने के लिए क्या है. द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग को सुना बट डिडंट स्पीक, उसने कुछ नहीं कहा. एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, मतलब वो डिगिंग करता रहा, अपना खोदता रहा. यू आर टायर्ड, तुम थक गए होंगे, किंग ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, मतलब वो जो स्पेड थी उसके हाथ में खोदने के लिए उसने उससे ले लिया. एंड वर्क इन योर प्लेस, मतलब वो उसकी जगह काम करने लग गया. थैंक्स द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा कि धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड, स्पेड को दे दी किंग ने. एंड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे बैठ गया. ठीक है, व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स उसने जब टिक कर लिए थे, ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, उसने स्टॉप करा और वापस से वही क्वेश्चन रिपीट करा. द हर्मिट गेव नो आंसर and stood up and stretching out his hands, और उसने अपने hands को stretch करा for the spades के लिए वो, and said now you rest, उसने बोला कि तुम rest कर लो, let me work, मुझे काम करने दो. but the king did not give him the spade, king ने उसे spade नहीं दी और खुद ही dig करने लगा, continue to dig. अब one hour passed then another, मतलब एक के बाद एक घंटा गुजरता गया. and the sun went set down and behind the trees, मतलब सन छुप गया बिहाइंड द ट्रीज, मतलब रात हो गई. द एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेंड, मतलब उसने वहां पर छोड़ दी, उसे स्टक कर दी, मतलब फंसा देना या वहां गाड़ देना. ठीक है, और सेंड आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ वाइसमैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे आंसर देने के लिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए उसे. If you can give me no answer, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं देना चाहते, tell me, मुझे बता दो, so I will return home, मैं घर वापस चले जाऊं. Here comes someone running, मतलब कुछ कोई जना भागते हुए आ रहा था, said the hermit, कुछ hermit ने कहा कोई जना आ रहा है वहां से. The king turned round and saw a bearded man running towards them, कुछ मतलब like किसी की दाढ़ी इस तरह से, he एक bearded man था, तो वो रनिंग भागते हुए आ रहा था उसकी तरफ. हिज हैंड वर प्रेस्ड विद अगेंस्ट हिज स्टमक, स्टमक पे उसने हाथ को प्रेस कर रखा था,
एंड फ्रॉम विच द ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसकी स्टमक में से ब्लड फ्लो हो रहा था, मतलब खून निकल रहा था। एंड वेन ही रेच द किंग, किंग के पास जब वो पहुंचा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो गिर गया ग्राउंड पे। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वॉन्ड, उसके स्टमक स्टमक पे उसको बहुत बड़ा वॉन्ड हो रहा था, मतलब घाव हो रहा था। द किंग वॉश्ड, उसे वॉश करा एंड कवर इट विद द हैंडकरचीफ, उसने हैंकी से उसे क्या करा, कवर करा उससे, है ना। बट द ब्लड वुड नॉट स्पॉट, मतलब स्टॉप फ्लोइंग, ब्लड रुक ही नहीं रहा था। द किंग री ड्रेस, उसने वापस से उसकी ड्रेसिंग करी अंटिल द वाउंड एट लेस्ट ब्लडिंग, मतलब ब्लडिंग जब तक स्टॉप नहीं हो जाती, वो ड्रेसिंग करता गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, मतलब मैन क्या कर रहा था, फेल्ट बेटर कर रहा था, अच्छा महसूस कर रहा था, और उसने क्या करा, कुछ तुम्हें पूछा कि तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए क्या। नहीं, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, द किंग ने क्या करा, फ्रेश वाटर लाया और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, सन क्या हो गया था, छुप गया था, बिल्कुल ही छुप गया था। एंड द एयर वॉज कूल, एयर क्या हो गई थी, ठंडी हो गई थी। द किंग विथ हिज हर्मिट हेल्प कैरिड द वॉन्टेड मैन इन टू हिज हट, वो वॉन्टेड मैन को अपने हट में ले गया एंड लेट है ऑन द बेड, मतलब उसे लिटा दिया बेड के ऊपर। क्लोज हिज आईज, उसने अपने आईज क्लोज एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड हो गया था बाय हिज वॉक, मतलब इतनी देर से वो काम कर रहा था तो वो टायर्ड हो गया था। द वर्क हैड डन, वर्क तो पूरा हो गया था, एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी क्या हो गया, लेट गया फ्लोर पे और स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात को वहीं सोया। व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, इट वाज सेवरल मिनट्स, बहुत टाइम बीत चुका था, एंड बिफोर ही कुड रिमेम्बर वेयर ही वाज, वो कहाँ पर है। हु द स्ट्रेंजर बियर्ड, मतलब वो स्ट्रेंज बियर्ड मैन जो है लाइंग ऑन द बेड वाज कौन था वो। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, तुम मुझे भूल जाओ, उसने कहा बहुत ही लो वॉइस में, क्योंकि वो बॉन्डेड था इसलिए उसकी आवाज क्या हो गई थी, बिल्कुल धीरे हो गई थी। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, उसने जब ये देखा, जब किंग अवेक हो गया था, मतलब उठ गया था। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, किंग ने क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, मतलब फॉरगिव किस बात का करो, मतलब मैं तुम्हें किस तरफ के लिए माफी दूं, कि किंग ने कहा कि किस बात पे भूल जाऊं मैं तुम्हें, तो यू डोंट नो मी तुम, बट आई नो यू, मतलब आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेड एनिमी ऑफ योर हु श्योर रिवेंज ऑन यू, मतलब मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, मैं तुम्हारे से बदला लेने आया था, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर आउट टू ब्रेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया था। आई नो यू हैड Gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मतलब मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, उसने ऐसा कहा। But the day passed, day गुजरते गए, you didn't return. मतलब वो वहीं वेट कर रहा था, लेकिन वो मिला नहीं उसे। So I left my hiding place. मैंने अपना hiding place क्या करा, वहां से मैं हट गया, और आई केम अपॉन योर, मतलब उसका जो बॉडीगार्ड था, हु रिकॉग्नाइज मी एंड वॉन्टेड मी, वो मुझे जानता था, उसका बॉडीगार्ड उसे जानता था, तो क्या हुआ, उसने उसे वॉन्टेड कर दिया, उसने उस पर अटैक कर दिया, इसलिए वो वॉन्टेड हो गया था। आई एस्केप फ्रॉम ही, मैं उससे बच के मतलब आया, बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वॉन्ट, अगर मैं मर जाता, अगर तुम मेरे क्या नहीं करते, पट्टी नहीं करते, ड्रेस नहीं करते वॉन्ट पर। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। यू हैव सेव्ड माय लाइफ, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को बचाया है। नाउ इफ आई जी रहा हूँ, आई विल सर्व यू एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम मुझे अपना मोस्ट फेथफुल, मतलब जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, वो सर्वेंट तुम मुझे बना सकते हो। विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम एंड फॉरगिव मी, मुझे ठीक है ऑर्डर करो, और मुझे इस चीज के लिए मतलब लाइक फॉरगिव कर दो, मुझे मतलब माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत खुश हुआ टू हैव मेड पीस विथ एनिमी, मतलब एनिमल से उसको बिना ही लड़ाई के उसको
क्या एक तरह से सारी बातें सुलझ गई और बहुत इजीली, सो इजीली टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, मतलब एक तरह से उसने उसे जीत हासिल कर ली, उसके ऊपर एक दोस्त बन गया वो. ही नॉट ओनली फॉरगेट हिम, उसने उसे माफ भी नहीं करता, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर, उसने बोला कि मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा और अपने डॉक्टर को भेजूंगा टू लुक आफ्टर हिम, उसकी ध्यान रखने के लिए. एंड ही प्रोमिस टू हिम बैक द मैन एंड हिज प्रॉपर्टी, और उसने उसकी प्रॉपर्टी को भी वापस रिटर्न करने के लिए सारी चीजें कही. लिविंग द वॉन्टेड मॉन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, मतलब वॉन्टेड मॉन को छोड़कर जब वो बाहर आया हर्ट के बाहर, तो वो हर्मिट को देखने लगा कि वो कहाँ पर है. बिफोर गोइंग अवे ही बेस्ट वंस मोर टू गेट द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, वो अपने आंसर्स चाहता था अगेन. वो द हर्मिट वॉज ऑन इट्स नीज सोइंग सीड्स, वो क्या कर रहा था, उसमें जो बैट क्रिएट कर रहे थे ना उसमें सीड्स बो रहा था. ठीक है. द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, वापस उसने कहा फॉर लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैंने तुमसे बोला था, बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दे. यू हैव ऑलरेडी बींग आंसर्ड सेड द हर्मिट, तुमने ऑलरेडी तुम्हारे आंसर हो चुके हैं, मैंने आंसर हो चुके हैं. स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो बेंडिंग मतलब ऐसे घुटनों के बल बैठा हुआ था. एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, मतलब किंग उसके पास खड़ा हुआ था और उसे वो देख रहा था. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैं कैसे आंसर दूं, आई व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है, मैंने आंसर कैसे दिया है. व्हाट डू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम नहीं देख सकते हो. इफ यू हैड नॉट पेटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम मेरे जो मेरी वीकनेस थी, मैं ओल्ड हूँ, तुम मेरे पे दया नहीं करते हैं, एंड हैड नॉट डग दिस पिट फॉर मी, अगर तुम ये सब चीजें मेरे लिए कूदते नहीं, यू हैड गॉन टू अवे अवे, मतलब तुम अगर यहाँ से चले जाते, देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, जो तुम पे अटैक करना चाहता था. ओके. एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, अगर तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रुकते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर डिगिंग द पिट, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या हुआ, जब तुम उसे डिग कर रहे थे, खोद रहे थे बेड्स को. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैन हुआ, टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या हुआ तुम्हारा, मेरे साथ जो काम करा afterwards, और इसके बाद when the man ran to you, जो तुम्हारे मैन जो भागकर तुम्हारे पास आया था, और the most important time, सबसे ज्यादा important time क्या था, when you are caring for me, जब तुमने उसकी केयर करी, तुमने उसके want को सारा like पट्टी करी और सब उसका ध्यान रखा. because if you had not rest his want, मतलब अगर तुम उसकी पट्टी नहीं करते उसके want के, he would have died without having made peace with you, मतलब तुम्हारे से मतलब एक जो समझौता हो गया उसका पीसफुल, जो तुम्हारी रेस्पेक्ट बनी, वो कभी नहीं बनती अगर वो मर जाता तो. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन उस समय वो था इम्पॉर्टेंट मैन. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मतलब तुमने जो उसके लिए करा, उसकी पट्टी करी, सब चीजें का, वो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा बिजनेस हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हुआ तुम्हारा. रिमेंबर देन देयर इज Only one time that is important. यहाँ पर सिर्फ एक time ही important है, that is now. मतलब अभी. अगर तुम आज का सोचोगे तो ही होगा. सबसे important time क्या होता है? आज, अब. ठीक है? It is the most important time because it is the only time we have any power to act. हमारे पास हर तरह की power होती है करने के लिए. The most necessary person is the person you are. सबसे necessary person कौन होता है? तुम हो. With a particular moment, for no one knows what will happen in the future. कोई भी नहीं जानता कि future में क्या होगा. And whatever we will meet anyone else, या हम किसी और से कब मिलेंगे, क्या होगा. The most important business is to that person. मतलब सबसे important business यही है कि वो person है जो कि because we were sent into this world. हमने जिसे इस world में भेजा है ला, for That purpose alone, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम हैं, लाइक हम ही अपना भविष्य बना सकते हैं, सब चीज हम पे डिपेंड है. ठीक है.
अगर हम ही नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब कुछ हमारे हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। तो हम अपना फ्यूचर बनाते हैं, हम अपना प्रेजेंट बनाते हैं और पास्ट फ्यूचर सब चीजें हमारे पे डिपेंड करती हैं। ओके, दिस इज योर चैप्टर। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द सेकेंड चैप्टर ऑफ रीडर। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।